जिस चीज में भी पॉजिटिविटी ज्यादा होती है उसमें ही नकारात्मकता की शक्ति बहुत अधिक होती है। उसी प्रकार से मंत्र है, मंत्र हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। एक प्रकार से कहूं कि मानव से महामानव बनाने की क्रिया या शक्ति या सामर्थ्य मंत्रों में होता है। उसी प्रकार से ये किसी के जीवन को बर्बाद भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है, पर हम आगे बढ़े उससे पहले कुछ चीजों में को समझना पड़ेगा। हम सीखने जा रहे हैं कि मंत्रों का चुनाव कैसे करें, पर कुछ मंत्र ऐसे हैं जिनके लिए ये नियम लागू नहीं होता, अर्थात उन्हें करते समय आपको किसी भी तरह की प्रक्रिया यानी कि चुनाव करने की प्रक्रिया में एंटर करने की आवश्यकता नहीं है। वो सीधे सीधे आप जाप करना आरंभ कर सकते हो। वो कौन कौन से मंत्र हैं? सर्वप्रथम 10 महाविद्याओं के मंत्र, समस्त वैदिक मंत्र, और उसमें भी खास करके नवग्रह वैदिक मंत्र, भगवान श्री कृष्ण का कोई भी मंत्र, गुरु के द्वारा दिया गया, ये सभी मंत्र ऐसे मंत्र हैं जिनके लिए जो मैं आपको प्रक्रिया सिखा रहा हूं उसमें जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मंत्र हमारे मित्र और शत्रु दोनों ही प्रकार का रोल अदा करते हैं। तो कौन सा मंत्र हमारे लिए मित्र होगा और कौन सा मंत्र हमारे लिए शत्रु हो सकता है उसका सिलेक्शन करते हैं। तो मैंने वैसे तो बहुत सारे मंत्र ऐसे निकाल दिए हैं शास्त्र में जिन्हें इस प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं। तो इस प्रक्रिया को हम स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। इस प्रक्रिया का नाम है कुलाकुल चक्र। कुलाकुल चक्र का तात्पर्य है कि मंत्र जो देवता का जो हम मंत्र करने जा रहे हैं और साधक, ये क्या एक ही कुल के हैं? कुल का मतलब परिवार से है कि क्या एक ही फैमिली के हैं? अगर वो एक ही परिवार के हैं, एक ही फैमिली के हैं, तो मंत्र हमें नुकसान नहीं देगा। तो सबसे पहले तो आप इसका फोटो ले लीजिए। इसमें दो चीजों की आवश्यकता है। सबसे पहले जो मंत्र जाप करने जा रहा है, जिसे हम साधक कह सकते हैं, साधक मीन्स जो साधना करने वाले को साधक कहते हैं, उसकी अपनी राशि क्या है? अब यहां पर आपने कौन सी राशि लेनी है, वो जो आपकी नाम राशि है, जिसे प्रसिद्ध नाम की राशि है। जैसे सुनील, तो सुनील मेरा प्रसिद्ध नाम है, पर मेरी जन्म पत्रिका में मेष राशि है। तो मेष राशि में जो अक्षर आएगा वो अलग है। तो आपको ये ध्यान रखना है, प्रसिद्ध नाम को देखना है, और जिस देवी देवता की मैं पूजा करने जा रहा हूं, जिस देवता का मंत्र लेने जा रहा हूं, उस देवता की नाम राशि क्या है? जैसे आप देखें यहां पर अक्षरों को 5 तत्वों में विभाजित किया गया है। 5 तत्व वही हैं
जिनसे हमारा शरीर बना है, वायु तत्व, अग्नि, पृथ्वी, जल और आकाश, और हर तत्व के नीचे शब्द लिखे गए, जैसे वायु के नीचे ए आ ए कै चै टै तै पै य और श। इसी प्रकार से हर तत्व के नीचे दिया हुआ है। मैं अपना ही एग्जाम्पल ले रहा हूं, जैसे मेरा नाम सुनील है, प्रसिद्ध नाम सुनील है, तो मुझे देखना है मेरा नाम अक्षर स से आरंभ होता है, तो आप देखेंगे स जो अक्षर है वो जल तत्व के नीचे सबसे नीचे के दिया हुआ है, से सुनील सबसे नीचे जल तत्व की कैटेगरी में। अगर जिस देवता की मैं पूजा करने जा रहा हूं अगर वो भी सेम तत्व का है तो हम मानेंगे कि वो हमारे ही परिवार का देवता है, और अगर हम उस देवता की पूजा करेंगे तो हम बहुत जल्दी सिद्धि प्राप्त करेंगे या उस देवता का विशेष आशीर्वाद हम पर रहेगा। मान लीजिए कि मुझे भगवान गणपति जी की साधना करनी है, भगवान गणेश जी का मंत्र लेना है, तो भगवान गणेश, तो गणेश जी की जो राशि है, अब यहां पर देखें कि जो गै नाम है वो किस तत्व के अंडर में आ रहा है, तो गै भूमि तत्व, जिसे हम पृथ्वी तत्व भी बोलते हैं, अर्थ एलिमेंट। वहां पे देखिए तीसरे नंबर पे ऊ ओ और गै, जो गै है ये गणपति जी का नाम का पहला अक्षर हो गया और वो आ गया अर्थ एलिमेंट में। तो हमने देखना है ये अर्थ एलिमेंट और वाटर एलिमेंट, पृथ्वी तत्व और जल तत्व की क्या आपस में मित्रता है। तो इन दोनों में आपस में मित्रता है, तो हम उसके लिए और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो मित्र है उसमें जल तत्व और भूमि तत्व का जो वर्ग है, कैटेगरी है, उन दोनों का आपस में मित्रता निकल करके आती है। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि मैं भगवान गणपति जी के मंत्र का जाप कर सकता हूं। अब इसमें जो लास्ट में आकाश तत्व दिया हुआ है ये हर किसी का मित्र है, प्रत्येक तत्व के साथ इसकी मित्रता है। जैसे सपोज करो मैं सुनील नाम का व्यक्ति से अक्षर जो कि वाटर एलिमेंट में पढ़ता हूं, जल तत्व में पढ़ता हूं, आकाश तत्व में जितने भी अक्षर हैं अगर देवता का नाम उनसे शुरू होता है, जैसे शिव ये आकाश तत्व में है, तो मैं शिव मंत्र की, शिव जी का जो मंत्र है उसका जाप कर सकता हूं। है जैसे हरे हरे राम 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 हरे हरे, आया हरे राम, केवल ये हरे राम भी मंत्र है, हरे कृष्ण भी मंत्र है। तो है जो शब्द है ये क्योंकि प्रत्येक कैटेगरी का मित्र है, तो चाहे आप किसी भी कैटेगरी में फॉल करते हो, आकाश तत्व में आने वाले देवता का मंत्र आप जप कर सकते हैं। या आप दोनों का आपने फोटो खींच लिया है या नोट कर लिया है, अब जी सर, फोटो खींच लिया है, नोट हम नहीं कर पाए। इसके एग्जाम्पल लेकर के चलेंगे। सिंपल सी बात है, ये बहुत बहुत आसान टेक्निक है,
बस आपने ये लिखा हुआ सामने रखना है, जब भी मंत्र उपासना आप आरंभ करने जाओ तो सबसे पहले कुलाकुल चक्र को जरूर ध्यान में रख लें। क्या देवता हमारे कुल से संबंधित है या नहीं है, या वो हमारा मित्र है या नहीं है। अब यहां पर भी एक बात शास्त्र में कह दी गई कि गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र की बात अलग है, यानी कि गुरु कोई भी देवता से रिलेटेड मंत्र देता है तो आपको किसी भी प्रकार के कुलाकुल चक्र का ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है। और जो मैंने पहले बताए थे 10 महाविद्याएं, वैदिक मंत्र, उनको भी देखने की आवश्यकता नहीं है, और भगवान श्री कृष्ण के जो मंत्र हैं उन्हें भी देखने की आवश्यकता नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि आपने कहा नवग्रह मंत्र, तो इसमें केवल वैदिक मंत्र ही मान्य है, पर मान लीजिए कि आपने बीज मंत्र लिए और आपने कहा कि मैं पला ग्रह का बीज मंत्र का जाप करने आरंभ करने जा रहा हूं, ऐसे में कुला कुल चक्र को जरूर देखना है। इसीलिए कई बार केस ऐसे आते हैं, कई बार लोग कहते हैं कि हम अपने आप ही पाठ कर लेंगे, कि कई लोगों का ये मानना होता है कि हम स्वयं मंत्र जाप करेंगे, यदि कोई दूसरा मंत्र जाप करेगा पहली बार तो विश्वास नहीं कि दूसरा करेगा या नहीं करेगा, और दूसरा करेगा तो मुझे कैसे लाभ होगा। खैर, दूसरा करने से लाभ कैसे होगा, अब उस बात को तो बोलने का कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि जी न्यूज़ पर ये बात कई बार आ चुकी है, और अभी 3 दिन पहले मैंने एक बात सुनी थी, सुनी नहीं देखी थी, सॉरी, जी न्यूज़ पर आ रही थी आप 3 दिन पहले का, कौन चौधरी है वो, एक चौधरी है जो प्राइम टाइम में वो करते हैं दिमाग की सुनील चौधरी, चौधरी, हाँ सुधीर सुधीर चौधरी। सुधीर चौधरी ने न्यूज़ दी कि अभी अभी हॉस्पिटल में एक ब्रेन ट्यूमर को निकाला गया, और न्यूरो सर्जन थे दीपक नाम के, न्यूरो सर्जन थे, और जिस लेडीज का जो ट्यूमर निकाला जा रहा था तो उन्होंने कहा कि पूरे ऑपरेशन के दौरान आप हनुमान चालीसा पढ़ते रहेंगे, यानी कि वो उनसे बुलवा रहे थे हनुमान चालीसा का पाठ। ये तो एक मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं कि मंत्रों में कितनी शक्ति होती है, और उन्होंने कहा सबसे ज्यादा फास्ट रिकवरी हुई है उस महिला की, और वो पूरे ऑपरेशन के दौरान हनुमान चालीसा का पाठ करती रही, और अगर कहीं रुकती थी तो डॉक्टर खुद उन्हें बोलता था कि आप आगे बोलिए। तो वो सर्जरी बहुत अच्छी गई, क्योंकि उस महिला का कनेक्शन हनुमान जी से था, वो हनुमान जी को बहुत मानती थी। तो श्रद्धा से जब आदमी खुद काम करता है तो बहुत अच्छी बात है, कि मंत्रों का प्रभाव दूर बैठा व्यक्ति भी जब जाप करता है, अनुष्ठान किया जाता है और विधि विधान से किया जाता है तो उसका लाभ मिलता है। महामृत्युंजय मंत्र भी इसी श्रेणी में आता है, क्योंकि ये लोक कल्याण का मंत्र है और शरीर के को ठीक करने के लिए, व्याधियों को ठीक करने के लिए, रोगों से मुक्ति के लिए, इंसान के अंदर व्याधि को लेकर के जो व्याप्त भय होता है उसको समाप्त करने के लिए महामृत्युंजय मंत्र बहुत
बहुत ज्यादा अच्छा कार्य करता है। ऐसे जो लोक कल्याण मंत्र हैं उनके लिए भी आपको कुलाकुल चक्र का ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है। ये चीजें जाननी हमें बहुत जरूरी है। तो अगर आप को पूरी विधि विधान का नहीं मालूम और आपको लगता है कि आप वैदिक मंत्र में त्रुटियां करेंगे और आप तो इसका जाप, इसका पाठ आप ब्राह्मणों के द्वारा ही करवाएं तो ज्यादा उत्तम रहेगा, अन्यथा अर्थ का अनर्थ होते देर भी नहीं लगती। मैं चर्चा कर रहा था खास करके बीज मंत्र के बारे में। हर आदमी कहता है ये तो हम ही कर लेंगे, वैदिक मंत्रों में तो लगभग हाँ नहीं कहते कि हम कर लेंगे, पर बीज मंत्रों में व्यक्ति करता है। मैंने ऐसे ऐसे केस देखे हैं जो कहते हैं कि हम पिछले 3 महीने से फला बीज मंत्र का पाठ कर रहे हैं और वो अपने मन में ही स्याणे बन जाते हैं ज्यादा, जैसे उन्होंने देखा कि फला दशा चल रही है और उन्होंने लक्षण मिला है, गूगल पर देखा, अभी यूट्यूब पर देखा और खुद से ही जाप करना शुरू कर दिया। ऐसे में कुलाकुल चक्र देखना बहुत जरूरी था। अब कुलाकुल चक्र का उन्हें ज्ञान नहीं है, तो अगर मंत्र उनके मित्र वर्ग से रिलेटेड नहीं है तो वही मंत्र उनके लिए कई गुना कष्टकारक हो जाएगा। मैं सबसे पहले कहता हूं कि पहले तो मंत्र ही बंद कर दो आप, और मंत्र बंद करवाने के बाद ऐसे परिणाम देखे गए कि उनको शांति मिलना आरंभ हो गई और जो उपद्रव हो रहे थे वो उपद्रव शांत हुए। एक अच्छे ज्योतिषाचार्य को लक्षणों के आधार पर समझ लेना चाहिए ये ग्रह का उपद्रव हो रहा है या मंत्र जाप का उपद्रव हो रहा है। कभी कभी व्यक्ति उपाय करने में बहुत ज्यादा गलतियां कर रहा है, तो ज्योतिषाचार्य को उसी बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए। मैंने आपको बताया कि सबसे ज्यादा गलतियां लोग बीज मंत्रों में करते हैं और उन्हें नहीं पता ये बीज मंत्र तांत्रोक्त मंत्र कहलाते हैं, जैसे ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रौम सैरावे नमः, ओम प्राम प्रीम प्रौम से शनिचराय नमः। ये शनि के विख्यात मंत्र है और सभी बीज मंत्रों को जानते हैं और गूगल यूट्यूब से निकाला और अपने ग्रह शांत करने चल जाते। एक खुशकिस्मती है कि अगर आपका वो मंत्र आपके लिए सुसाध्य मंत्र है, मित्र मंत्र है, तो फायदा हो जाता है, अन्यथा कई बार फायदे की जगह नुकसान ज्यादा हो। मंत्र को करते समय या तो विद्वान व्यक्ति से पूछें या उन मंत्रों का सहारा लें जिन्हें ये कुलाकुल चक्र देखने की आवश्यकता नहीं। तो आंख बंद करके आप वैदिक मंत्र का नाम ले सकते हैं। वैदिक मंत्र नुकसान नहीं करते किसी भी सूरत में, या उन देवताओं के मंत्र बताएं जो नुकसान नहीं देते। जैसे भगवान शिव का मंत्र पंचाक्षरी मंत्र है, नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ना, ये भगवान शिव के भोलेनाथ के जो हैं आपको दिक्कत नहीं देंगे, पर नमः शिवाय में और ओम नमः शिवाय में बड़ा अंतर है। शिवाय नमः ये आकाश तत्व में आता है, ये इसका अलग वर्ग है, पर नमः तो आपको देखना पड़ेगा कि नए अक्षर जो है किस वर्ग में आ रहा है। तो आप बताइए किस वर्ग में आ रहा है?
आकाश में ही आता है। किसमें? आकाश में। अगर आकाश में आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यही चीज मैं आपको बस समझाना चाह रहा हूं, बहुत बहुत आसान है। अब हम टेक्निक नंबर दो पे चलें क्या, या कोई बात पूछनी है? नहीं तो हम टेक्निक नंबर दो पे। जी सर, कुछ कुछ पूछना है सर। हाँ बताइए। ये बीज मंत्र का जो कुलाकुल देखेंगे तो मंत्र का जो अक्षर है उससे देखेंगे या उस देवता ग्रह के? ओम को नहीं देखना। दूसरी बात, जैसे मंगल ग्रह, तो मंगल ग्रह एक तरह से मंगल देवता की हम बात कर रहे हैं जी। जब हम ग्रहों की उपासना करते हैं तो ग्रह को हम देवता मानते हैं। जैसे गुरु ग्रह है, हम बोलते ग्रह है, पर हम गुरु देवता, शुक्र देवता, उन्हें देवता के रूप मान करके उनका मंत्र जाप करते हैं। तो जैसे मंगल ग्रह की मैं बात कर रहा हूं, यानी मंगल देवता। तो अब मैं शब्द कहां पर आ रहा है, किस वर्ग में आ रहा है, वो आपने देखना है, और आपके नाम का अक्षर किस वर्ग में आ रहा है ये आपने देखना है। और दोनों वर्गों में मित्रता है। चलिए ये एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे देखिए प्रताप, प्रताप कौन से वर्ग में आ रहा है और मैं अक्षर किस वर्ग में आ रहा है? वायु में सर। और आकाश में आ रहा है मां। आकाश और वायु, तो आकाश तत्व की तो किसी से वो है ही नहीं, प्रॉब्लम ही नहीं है, जो है वो सही कर रहे हैं। और तो हम उसमें कर सकते हैं, एक एक करके बोलेंगे, हैंड्स रेज करें, मैं सभी के प्रश्नों का जवाब दूंगा। सर इसी से रिलेटेड एक छोटा सा सवाल और था कि जैसे कुछ भगवानों के पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे मैं अगर बोलूं कि मैं भोले बाबा का करता, सिर्फ सिर्फ प्रसिद्ध नाम को लेना है, तो भोले बाबा भी से प्रसिद्ध है, शिव भी प्रसिद्ध है, ये जगह जगह से देखा जाता है। अच्छा, गांव में भोले बाबा कहा जाएगा। हाँ। और जब आप शहरों में आएंगे, किसी भी शहर में, वहां पे शिव का नाम लिया जाएगा। अगर हम भगवान की बात करें तो भगवान तो हरेक के आगे लगा दिया जाएगा, तो भगवान की बात नहीं करनी। मेन नाम क्या है, उनका शास्त्रोक्त नाम क्या है, लौकिक नाम नहीं, शास्त्रोक्त नाम तो शिव है। अब उनके पर्यायवाची हैं, अब पर्यायवाची इतने हैं, अब जैसे पानी का ही पर्यायवाची इतने हैं कि पूछो मत, कमल के फूल के पर्यायवाची इतने हैं कि पूछो मत। तो आपने ये देखना है कि जो मेन नाम है, जैसे गणपति, अब गणपति जी के बहुत नाम है, विनायक जी, लंबोदर, विघ्न विनाशक, विघ्न हर्ता, विनायक जी। अब राजस्थान में जाएंगे तो वहां पर गणेश जी को विनायक जी बोलते हैं, मारो विनायक जी महाराज हैं, तो वहां महाराज लगा देते हैं। अब हनुमान जी हैं, अब आप राजस्थान में जाएंगे वहां बालाजी हो जाते हैं। अब हनुमान जी जो हैं महाराज भी हो जाते हैं, हनुमान जी भगवान भी हो जाते हैं, हनुमान जी पिताजी भी हो जाते हैं, कि हनुमान जी तो हमारे पिताजी हैं। अब पिताजी राजस्थान में उन्हें पिता भी कहा गया है, कुछ परिवार उन्हें पिता कह के बोलते हैं। तो हमें देखना है कि नाम मेन क्या है, मेन नाम हनुमान जी है। अब हमें पर्यायवाचियों में जाएंगे तो बहुत बुरी तरह फंस जाएंगे, और हमें एक डिसीजन पर पहुंचना होता है। हम अगर डिसीजन पर पहुंचेंगे तो ज्यादा बेटर है। इसलिए उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है, सबसे अच्छा तरीका है गुरु का आदेश, क्योंकि वहां पर गुरु अगर कोई मंत्र अपने तरीके से दे रहा है या कि जिस मंत्र को बता रहा है तो उसमें ये सारे नियम हट जाएंगे, सिंपल सी बात है, तो लगेगा ही नहीं। इसीलिए सबसे पहले कहा गया कि गुरु बनाइए, और गुरु बनाएंगे तो समस्या नहीं आएगी। साथ में एक काम और भी किया जा सकता है, वो क्या क्या हम किया जा सकता है आप
लोग अपनी कुंडली में भी देख सकते हैं। क्या देखा जा सकता है कि आपको मंत्र साधनाएं फलित भी होगी कि नहीं होगी, ये भी अपने आप में बात है। बहुत सारे लोग लगे रहते हैं कि उनको मंत्र साधनाएं नहीं फलित होती, मतलब उनको रिजल्ट नहीं आते, रियलाइजेशन रियलाइज नहीं हो पाता। तो बहुत सारे साधन हैं, तो इसमें आप इस बात को भी पहले देख लें कि मंत्र का मार्ग आपके लिए विशेष लाभकारी है या नहीं। नहीं तो ज्यादा बेटर है जैसे हनुमान जी के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें, दुर्गा जी के लिए दुर्गा चालीसा का पाठ करें। ये जो चालीसाएं होती हैं, इन्हें भी कुलाकुल चक्र को देखने की आवश्यकता नहीं है। या सहस्त्र नाम जो होते हैं, जैसे विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम, इनके लिए भी कुलाकुल चक्र देखने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि सामने वाला जो बंदा है जो पूछ रहा है बात को, आप उन्हें चालीसा बताइए या सहस्त्र नाम बताइए, तो इससे भी लाभ होगा। आप अगर अपने लिए करना चाहते हैं तो अपनी कुंडली में देखिए क्या मंत्र से मुझे लाभ होगा जीवन में, तो फिर आप इन सभी प्रोसेस से गुजरिए। फिर आप पहला स्टेप गुरु बनाएं, और गुरु बनाने के बाद अपने गुरु से सलाह मशवरा करें कि क्या मुझे ये मंत्र करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, फलाने देवता की साधना करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। अगर वो कहते नहीं चक्रों में मत पढ़ो तो मत पढ़ो, वो कहते नहीं करनी चाहिए तो आप कीजिए, और आपको फिर वो लगता है कि गुरुजी खुद देंगे तो बिन चक्रों में पढ़ने की जरूरत ही नहीं। फिर आपको सीधा जो मंत्रों के संस्कार थे, उस मंत्र के संस्कार जरूर करने हैं और मंत्र जाप आरंभ कर देना, कुछ चीजों का ध्यान रखते हुए। फिर आपको ये सब चक्रों में पढ़ने की जरूरत है। योग बताऊं क्या, कौन कौन से योग ऐसे होते हैं कि जिसमें साधना में सफलता मिलती है?